सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ की अपनी वस्तु। ये अपनी वस्तु दो भाइयों की कहानी है जो अपनी पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और तभी एक महात्मा जी उनको मिलते हैं और वो कैसे इन दोनों की लड़ाई को खत्म करवाते हैं, दोनों में भाईचारा स्थापित करते हैं, वो हम इस पाठ में देखेंगे। पाठ का परिचय प्रस्तुत पाठ में लेखक ने आपसी प्रेम भाईचारे के बारे में बताया है। एक महात्मा किस प्रकार दो भाइयों के झगड़े को शांति व संयम से दूर करके उन्हें प्रेम के साथ में रहने का सबक सिखाते हैं। उन्हें अपनेपन प्रेम अच्छे कार्य करने का महत्व भी समझाया। यहाँ पे महात्मा जी ना सिर्फ इन दोनों भाइयों की लड़ाई को खत्म करते हैं लेकिन उन दोनों को समझाते हैं कि कैसे प्रेम से, अपनेपन से और भाईचारे से परिवार के साथ में रहा जाता है। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थी झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो दोनों भाई एक एक करके महात्मा जी के सामने अपनी बात रखते हैं। यह भूमि इसके भाग में नहीं है बिल्कुल, बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। तो दोनों भाई एक दूसरे को महात्मा जी के सामने झूठा साबित करते हैं। वो उस संपत्ति को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोनों एक एक करके महात्मा जी को बोलते हैं कि महात्मा जी ये झूठ बोल रहा है, मैं सही हूँ। दूसरा बोलता है मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। और ऐसे करके अपनी अपनी बात वो महात्मा के सामने रखते हैं। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। पश्चात उन्होंने भोजन के तीन भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। दोनों भाई महात्मा जी के सामने फिर से आते हैं, भोजन बनवा के लेके आते हैं। महात्मा जी दोनों भाइयों को भोजन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि महात्मा जी ने देख लिया था कि अभी दोनों भाई जो है वो अपने आपे में नहीं है। दोनों बहुत गुस्सा थे, दोनों को अपनी पैतृक संपत्ति चाहिए थी किसी भी कीमत पर, एक दूसरे को झूठा साबित करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके कैसे भी। तो ये चीज महात्मा जी ने समझ ली थी कि दोनों में संपत्ति का लालच है और दोनों गुस्से में हैं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को भोजन करने के लिए बोला, साथ में खुद भी भोजन करने के लिए बैठ गए और देखते हैं फिर क्या होता है आगे। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनती की, महाराज यह तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो दोनों बोलते हैं कि महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि की क्या संसार में जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है जो लोग परलोक के संगी साथी है। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जब जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम स्मरण में लगाओ ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो बच्चों यहाँ पे महात्मा जी ने बहुत बड़ी शिक्षा दी है। दोनों भाइयों को समझाते हैं कि ये जमीन, ये जो एक भूमि का टुकड़ा है, जब तुम लोग परलोक जाओगे तो ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। साथ में क्या जाएगा, इंसान के साथ में सिर्फ उसके अच्छे और बुरे कर्म ही जाते हैं। अगर तुम लोग ऐसे ही फालतू में लड़ाई झगड़ा करोगे, लालच तुम्हारे मन में रहेगा,
या दूसरों का बुरा चाहोगे, बुरे कर्म करोगे, तो सिर्फ वो बुरे कर्म ही तुम्हारे साथ में जाएंगे। तुम्हारी अच्छाई, अगर तुम अच्छे बने रहोगे, अच्छे कर्म करोगे तो, और भक्ति करोगे, नाम सुमिरन करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे किए हुए काम परलोक में तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम्हारा यह लोक भी सुधर जाएगा, मतलब ये जन्म भी सुधर जाएगा, और मरने के बाद में जो है, जो परलोक सिधार जाते हैं लोग, तो वहां पे भी अपने अच्छे कर्म करके, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने परलोक को भी सुधार लेते हैं। ठीक है बच्चों, अपना पाठ भी यहाँ पे अपनी वस्तु समाप्त होता है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।